Anjuna, please, and break on park position or India. Thank you. रहीम, आज जी वेडनेसडे 25 अक्टूबर 2023 का दिन, हम लोग इस वक्त फॉक्सटन में हैं जी, इंग्लैंड की एक पोर्ट। यहाँ सर इंशाल्लाह हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे जो कि हमें इंग्लिश चैनल क्रॉस करवाएगी। हम लोग जा रहे हैं जी जर्मनी के शहर डुसेलडॉर्फ में। तो हमारा रूट इस तरह का होगा कुछ, यहाँ से हम इंग्लिश चैनल क्रॉस कर हम पहले फ्रांस एंटर होंगे, फ्रांस क्रॉस कर हम लोग बेल्जियम एंटर होंगे, बेल्जियम क्रॉस कर हम लोग नैदरलैंड्स क्रॉस करेंगे, फिर पूरा नेदरलैंड्स क्रॉस करके हम लोग जर्मनी एंटर हो जाएंगे। तो अभी हम जनाब ये जो शटल सर्विस है, इनका जो स्टेशन बना हुआ है, एक सर्विस बनी हुई है, यहाँ पर रुके हुए हैं। बोर्डिंग कार्ड मिल चुका हुआ है, थोड़ी देर में अपनी हम क्यू ज्वाइन करेंगे और ट्रेन में बैठेंगे। और लेकिन उससे पहले चल कर कुछ भी अपना थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। ये जी यहाँ का एक सर्विस एरिया जहाँ पर आप कॉफ़ी वगैरह, चाय शाय, नाश्ता वाश्ता कर सकते हैं। और ये छोटी सी ड्यूटी फ्री शॉप बनी हुई है यहाँ पर, तो चल कर अपना नाश्ता करते हैं जी। जी ये हमारा सुबह का नाश्ता जनाब, टूना एंड स्वीट कॉर्न सैंडविच एंड मैंगो एंड पैशन फ्रूट एंड एप्पल्स जूस विद ऑलमंड एंड एप्रिकॉट योगर्ट कोटिंग चॉकलेट व्हाटएवर। एक तो, सवाल करना चाहता हूं, आपने सुबह का नाश्ता, ये दोपहर का नाश्ता भी होता है? हाँ, मैंने तो पूछ लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। सफर में मुझे ज्वाइन किया है जी ये हमारा यूरोप का शहजादा इमरान और ये हमारी यूरोप की शहजादी जिसपे हम जा रहे हैं जनाब। और तीसरा शहजादा कहाँ पे है जी? वो कॉफी ले रहा है, कॉफी ले रहा है। सलमान जनाब कॉफी ला रहे हैं हमारे लिए। सलमान आ गए हैं जी कॉफी लेकर। और ये हमें फ्रांस का साइन बता रहा है कि जी फ्रांस इस साइड पर है। अभी हम इंग्लैंड में ही हैं तो यहाँ पे चक्कर लगा के पीछे जाएंगे, अपनी क्यू ज्वाइन करेंगे। ये सारा बोर्डिंग जहाँ से ट्रेन वगैरह चलती है वहाँ से, ये फ्रांस का साइन और ये जनाब हमारी यूरोप की शहजादी। और इस पे हम जनाब जा रहे हैं जो कि हमें इंशाल्लाह जर्मनी लेके जाएगी। ये हमारा पीछे कुछ खाने पीने का सामान। हाँ जी सलमान जनाब व्हील पर आ गए हैं, थैंक यू। आ जाए जी। तो एक करेक्शन करनी थी जी, जी वो गाड़ी जो है ना, हम ट्रेन में नहीं बैठेंगे, गाड़ी ट्रेन में बैठेगी और हम गाड़ी में हम गाड़ी में बैठेंगे। ठीक हो गया जी, वो भी ठीक हो गया, थैंक यू जी। तो चलें जी, चलते हैं जी, चेक इन करते हैं अपना पाले फ्रांस। ये जी हाँ जी ठीक डायरेक्शन है मेरा ख्याल है। ये हमारे साथ बैठे हैं, आप क्यों फिक्र करते हैं? क्यों फिक्र करते हैं जनाब, आप हों तो जनाब फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलते हैं जी अपनी ट्रेन की तरफ। गुड बाय, यू आर नाउ क्रॉसिंग द बॉर्डर। अच्छा ये जी सबसे पहले मेरा ख्याल है आएगा यूके बॉर्डर्स वाले, उसके बाद या पहले फ्रांस वाले आएंगे, ये हमारे पासपोर्ट चेक करके स्टैम्प करेंगे। तो फिल्म नहीं बनाते यहाँ पर। सो जी इंग्लैंड वालों ने हमारे पासपोर्ट चेक कर लिए हैं, अब पासपोर्ट क्या, उन्होंने तो गाड़ी भी चेक कर ली है, गाड़ी भी चेक कर ली है। अब ये फ्रेंच पुलिस वाले अब यहाँ पे भी अलबन पासपोर्ट चेक होंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे पासपोर्ट चेक नहीं होंगे, यहाँ पे चेक होगा गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं। अच्छा अच्छा, और ये फ्रांस का बोर्ड भी। सो टेक्निकली इस पॉइंट के बाद हम टेक्निकली विल बी इन फ्रांस, विल बी इन फ्रांस, लेकिन प्रैक्टिकली विल बी इन इंग्लैंड, प्रैक्टिकली विल बी इन इंग्लैंड, फिजिकली विल बी, फिजिकली विल बी इन इंग्लैंड। ये ऊपर जनाब यू के साइंस। सुबह के 8:10 पे हमारी ट्रेन है जी 8:45 पर जी। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें अपनी घड़ियों को एक घंटा आगे कर लेना चाहिए। हाँ है ना जी, एग्जैक्टली। आप लोगों के पास वो गैजेट नुमा जो घड़ियाँ उनको तो जरूरत नहीं होगी, नहीं है, खुद ही हो जाती हैं। टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो घड़ियाँ इनको करना पड़ता है। आप जो ओल्ड स्कूल है ना इमरान, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स, ओल्ड इज गोल्ड, ये देखिए नहीं घड़ी को एंशिएंट। उन्होंने भी हमारे पासपोर्ट्स स्टैम्प कर दिए हुए हैं और आज की स्टैम्प जनाब ये 25 अक्टूबर 2023 और ये फ्रेंच एग्जिट स्टैम्प।
तो बेसिकली जब से ब्रेक्जिट हुआ है, इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा, तो हमारे पासपोर्ट स्टैम्प होते हैं, उससे पहले नहीं होते थे। तो ये जी हमने अपनी क्यू ज्वाइन किया है, 8:45 पर हमारी इंशाल्लाह ट्रेन होगी। जी ये जी अगर आप मैप देखें तो इस वक्त हम ये खड़े हैं जी, ये यहाँ पर फोकस्टोन में, एंड हमने ये क्रॉस करना है जी समंदर, ये आगे इंग्लैंड का मैप देखें तो इंग्लैंड के तो ज़्यादातर पानी है, हमने क्रॉस करना है यूरोप मेनलैंड जाना है, तो उसके लिए हमें या तो फेरी क्रॉसिंग करनी पड़ती है या हमें ये जो ट्रेन सिस्टम इनका है इसके ज़रिए जाना पड़ता है। तो फेरी क्रॉसिंग तो ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा की हुई थी, तो इस दफ़ा हम लोग जो इंग्लिश चैनल है इसको ट्रेन के ज़रिए क्रॉस करेंगे। तो ये सारा जनाब लाइन जा रही है, ये तकरीबन 50 किलोमीटर की है, और जो कि इंशाल्लाह हमें यूके से फ्रांस लेके जाएगी। तो ये इंशाल्लाह जैसे ही हम सबसे पहले फ्रांस एंटर होंगे, तो फ्रांस को पूरा क्रॉस करते करते हम लोग बेल्जियम एंटर होंगे, बेल्जियम से होते 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 ब्रसल्स के पास से इंशाल्लाह आज रात स्टे हमारा एंटवर्पन में होगा, और कल इंशाल्लाह एंटवर्पन से हम लोग चले जाएंगे जी डुसेलडॉर्फ, जो कि यहाँ कहीं पर है। तो ये इंशाल्लाह हमारा रूट प्लान। जी हम अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, और मौसम आज अच्छा लग रहा है, कम से कम सुबह जब निकले थे बारिश हो रही थी, लेकिन अभी स्पार्टली क्लाउडी, और ये सब लोग जनाब फ्रांस जा रहे हैं। अच्छा ये जो टनल है ये जी किसी अजूबे से कम नहीं है ये जी, एग्जैक्टली उसकी वजह ये है कि ये आप जो इंग्लिश चैनल समंदर है, समंदर के नीचे से टनल बनाई हुई है, तकरीबन 246 फीट नीचे टनल्स बनी हुई है, जो कि आपको इंग्लैंड को यूरोप मेनलैंड के साथ कनेक्ट करती है, और इसकी इनॉग्रेशन हुई थी गालिबन 1994 में, और आधी टनल बनाई थी फ्रांस वालों ने और आधी टनल बनाई थी इंग्लैंड वालों ने। तो एक इन्होंने एक पॉइंट सेट किया था कि जी हम वहाँ पर मीट करेंगे, आप अगर आप यूट्यूब के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंट्री देखें तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ये टनल बनी थी और किस तरह ये लोग आपस में मिले थे नीचे जाकर। तो ये अजूबा है जी, नो डाउट। और जो टोटल इसकी लंबाई है दैट इज़ 50 किलोमीटर्स। अगर आप फेरी क्रॉसिंग करते हैं जो शिप के ऊपर जाकर अगर आप चैनल टनल को क्रॉस करते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 घंटा लगता है क्रॉसिंग में, वेयर एज ये जो ट्रेन सिस्टम है ये आपको 35 मिनट्स में क्रॉस करवाती है इंग्लिश चैनल। ये सारी ट्रेन के ट्रैक्स, ये हमारी शटल खड़ी हुई है, गाड़ियाँ आप देख रहे हैं अंदर जा रही हैं। अच्छा इस टनल के अंदर टोटल 3 ट्रैक्स हैं, 3 टनल्स हैं, जो कि ट्रेन कम्यूट करने के लिए यूरोस्टार ट्रेन भी यहाँ से जाती है और ये शटल सर्विस भी जाती है। एक टनल उन्होंने रखी हुई है एज अ बैकअप, अगर खुदा न खास्ता कोई ट्रेन ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप कम अज़ कम एक बैकअप है, आपको अंदर से ही क्रॉस कर कर वो तीसरी एक ट्रेन में बिठा देते हैं तो आपको आपकी डेस्टिनेशन पहुँचाते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारा सफ़र खैरियत से गुजरेगा। तो ये जनाब हम ट्रेन के अंदर जाने लगे थोड़ी देर में, एंड टाइम इज 8:33। सो दैट्स द ट्रेन जी, योर अ टनल, ऊपर जाएंगे। ये जनाब शटल, इस तरह आप ट्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और कुछ इस किस्म का ये अरेंजमेंट है जी, देखें आप। सो दैट्स द ट्रेन। टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटीज भी हैं यहाँ पर, एंड अच्छा इस ट्रेन में टोटल 120 कार्स आ सकती हैं, लेकिन आज मेरा ख्याल इतना बिजी नहीं है क्योंकि आज एक वीक डे है, तो नॉर्मली ये फुल होती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, हम लोग अपने कंपार्टमेंट में आ चुके हुए हैं, एंड
आपने बेसिकली ट्रेन के अंदर ही बैठना है गाड़ी के अंदर, और आप सो भी सकते हैं जैसे कि ये एक सोया हुआ अभी से बंदा, और यहाँ पे इनका स्टाफ भी मौजूद होता है, गाड़ी छड़ी लगवाते हैं आपकी यहाँ पर। Thank you. Hello. Hello. Engine off, please, and brake on park position or India. Thank you. तो आप गाड़ी से अगर उतरना चाहें तो उतर भी सकते हैं, लेकिन आप obviously अपने इस compartment के अंदर ही रहेंगे। तो चलते हैं बाहर। Right. So एक छोटी सी window बनी हुई है। ट्रेन जी, ये दो मेन टनल्स हैं जी, रेल टनल्स, एक ये वाली एक ये वाली, ये जाने के लिए वापस आने के लिए, एंड मिडल में सर्विस टनल इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इवैक्यूएट करना पड़े, ट्रेन खराब हो जाती है तो आप इस टनल से बाहर आ सकते हैं वापस। इन्होंने कंपार्टमेंट बंद कर दिया है ये जी, ट्रेन चल पड़ी है। You should move directly to the next carriage. This is a precautionary measure while the shuttle continues its crossing. Thank you for your attention. समंदर के बिल्कुल नीचे हैं, और ये टनल तकरीबन 13,000 वर्कर्स ने बनाई थी, और जो इसके ऊपर लागत आई थी दैट वाज 4.65 बिलियन पाउंड्स 1994 में, काफ़ी बड़ी अमाउंट थी ये। और 24/7 ये सर्विस आपको मिलती है, और हर एक घंटे के बाद एक ट्रेन चलती है यहाँ पर, तो आप किसी वक्त भी ये ट्रेन ले सकते हैं। इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट वे टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। ये जी, हम फ्रांस सेंटर हो चुके हुए हैं जी, और मेरा ख्याल है और दो चार मिनट में इंशाल्लाह ट्रेन रुकेगी और हम लोग इस ट्रेन से बाहर। और ये जी, हम ट्रेन से बाहर। थैंक यू। जाना नहीं है, वाकिफ है कोई? और हाँ, दोस्त है मेरा। So, ये था जी, देखें जी, एक अजूबा समंदर के नीचे से गुजारते गुजरते हमें कहां से कहां ले आए इमरान जी। हाँ, ये फ्रांस में आ गए। राइट, एंड फ्रांस इज क्लाउडी, पार्टली क्लाउडी टुडे, सोखती दिस वे। तो जी, वी आर इन फ्रांस। मैं वैसे पर्सनली प्रेफर करता हूँ जी कि जो फेरी क्रॉसिंग है उसके जरिए इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया जाए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लिबर्टी मिलती है, आप घूम फिर सकते हैं, और कैफेज बने होते हैं फेरी के अंदर। और लेकिन फेरी का ये मसला है कि वो डेढ़ घंटे में क्रॉसिंग होती है, वेयर एज ये तकरीबन हमें 25 मिनट्स में इसने हमें क्रॉस करा दिया, तो ये थोड़ा सा क्विक रहता है। चलो एनीवे जी, ये अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। तो अब हम फ्रांस में हैं जी, और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बेल्जियम।